आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सभी गणित रसायन विज्ञान भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट का करो सफाया बस प्रश्न की फोटो खींचो एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो पाओ अभी डाउनलोड करें हेलो दोस्तों आपका प्रश्न है संघट अनुप्रयोज्य है तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं यहाँ पे दिया है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए दूसरे विकल्प में दिया है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए तीसरे विकल्प में दिया है द्वे अड़ू कभिक्रिया के लिए चौथे विकल्प में दिया है अंतर अड़ू कभिक्रिया के लिए तो क्या होता है दोस्तों संघट्यवाद क्या है और किस प्रकार से यह होता है तो संघट्यवाद जो अनुप्रयोजन है या संघट्यवाद जो सिद्धांत है इस सिद्धांत के अनुसार दोस्तों कोई अभिक्रिया कैसे होती है उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पे एक अभिक्रिया हम लिख रहे हैं ए टू प्लस बी टू ए टू प्लस बी टू और इससे क्या बन रहा है टू ए बी तो इस अभिक्रिया में क्या होगा अभिकारक संघट्यवाद सिद्धांत के अनुसार अभिकारक ए का अड़ु जो होगा वो अभिकारक ए का अड़ु एक अड़ू अभिकारक बी के दो एक अड़ू के से क्या करेगा टक्कर करेगा ठीक है अभिकारक ए का अड़ू अभिकारक बी का अड़ू ये दोनों अड़ू क्या करेंगे आपस में एक दूसरे से टकराएंगे और अगर दोस्तों इन दोनों अड़ुओं के पास एक निश्चित ऊर्जा जिसे कहते हैं दहली ऊर्जा वह ऊर्जा अगर इन दोनों अड़ुओं के पास है तब दोस्तों टक्कर के पश्चात ये दोनों अड़ू क्या करेंगे हमें उत्पाद ए भी देंगे उत्पाद क्या देंगे ए भी देंगे ठीक है हमें उत्पाद एवी प्राप्त हो जाएगा और अगर दोस्तों दहली ऊर्जा के बराबर इनके पास ऊर्जा नहीं है तो दोस्तों टक्कर इनमें आपस में टक्कर होने के बाद भी हमें उत्पाद एवी प्राप्त नहीं होगा तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो अभिक्रिया है ये द्विअुक अभिक्रिया है अर्थात इसकी आर्णविकता क्या है दो क्यों क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कितने प्रकार के तत्व यहाँ पे अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं यहाँ पे एक तो अभिकारक ए भाग ले रहा है और दूसरा अभिकारक बी भाग ले रहा है तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कितने प्रकार के अभिकारक भाग ले रहे हैं अभी दो प्रकार के अभिकारक इस इस प्रकार की अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं तो जो संघट्यवाद अनुप्रयोजन है वो द्वि अड़ुक अभिक्रियाओं के लिए दिया गया है किन अभिक्रियाओं के लिए द्वि अणुक अभिक्रियाओं के लिए द्वि अणुक अभिक्रियाओं के लिए दिया गया है अभिक्रिया अभिक्रियाओं के लिए दिया गया है के लिए दिया गया है ठीक है तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है अब यहाँ पे जो विकल्प दिए हैं उन विकल्प को देख लेते हैं तो पहले विकल्प में हमें दिया है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए यह गलत है दूसरे विकल्प में दिया है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए यह विकल्प भी गलत है तीसरे विकल्प में दिया है द्वि अड़ूक अभिक्रियाओं के लिए यह सही विकल्प है चौथे विकल्प में हमें दिया है अंत अड़ूक अभिक्रिया के लिए यह गलत विकल्प है तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा धन्यवाद कक्षा से बारहवीं से लेकर नीट आई आई टी जे वो एडवांस के लेवल तक एक करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट आप या व्हाट्सअप करें अपने सारे डाउट्स आठ चार सौ चार सौ सौ पर